हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर जिस किचन। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ जल्दी जल्दी मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जिन्होंने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है उन्हें थैंक यू सो मच। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ टेक अवे की रेसिपी। ये छठ पूजा स्पेशल है और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और डिलीशियस बनते हैं। इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी चाशनी को रेडी करेंगे। चाशनी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप चीनी और 1 कप पानी इसमें ऐड किया हुआ है और इसे हम हाई फ्लेम पर कंटिन्यूसली स्टर करते हुए अच्छे से कुक कर लेंगे, जब तक इसमें जो चीनी है वो अच्छे से डिसॉल्व ना हो जाए। चाशनी की कंसिस्टेंसी हमें थिक नहीं करनी है और शुगर और पानी को अच्छे से कुक होते टाइम हमें इसे स्टर करते रहना है और शुगर को डिसॉल्व कर लेना है। इसकी कंसिस्टेंसी वाटर ही रखनी है। और चाशनी हमारी यहाँ पर रेडी हो गई है। गैस की फ्लेम को हम ऑफ करेंगे और इसके बाद अब हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे इसका डो रेडी करना। इसका जो डो रेडी हम करेंगे वो गेहूँ के आटे से रेडी करेंगे। मैं यहाँ पर 2 कप गेहूँ का आटा ले रही हूँ और इसे हैंड से थोड़ा सा फ्लैट करूँगी और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी देसी घी। देसी घी से जो होगा इसका टेक्सचर और फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनेगा। देसी घी ऐड करने के बाद हमें इसे हैंड से अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिसमें ये आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसे हमें हैंड से अच्छे से क्रम्बल करते हुए सारे घी को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेना है और जब ये मिक्स हो जाएगा उसके बाद देन अब हम इसमें यूज़ करेंगे कद्दूकस किया हुआ नारियल और इलायची पाउडर। इलायची पाउडर और जो नारियल हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ है, इससे जो ठेकुए का जो टेस्ट होगा वो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होगा। और अब इस टाइम पे मैं ऐड कर रही हूँ इसमें सौंफ। सौंफ से भी इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। और जो हमने चाशनी रेडी की हुई थी उसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी चाशनी से ही हम इसका डो रेडी करेंगे। कोई वाटर कोई मिल्क हमें यहाँ पर ऐड नहीं करना है। चाशनी को हमें यहाँ पर बैचेस में ही ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा सा करके, और एक अच्छा सा टाइट डो रेडी करना है। इसका डो बिल्कुल भी सॉफ्ट रेडी नहीं होना चाहिए। और सारी चीज़ें जब अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो इसमें ये इस तरह से बिल्कुल से बन जाएगा और एक अच्छा डो रेडी हो जाएगा। बहुत से लोग इसमें यहाँ पर गुड़ का भी यूज़ करते हैं और इस तरह से हमने यहाँ पर अपना डो रेडी कर लिया है। उसके बाद अब हम इसके छोटे छोटे से स्मॉल पोर्शंस लेकर इसका ठेकुआ बनाना स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ पर हैंड से ही ठेकुआ बनाऊंगी, हैंड से ही इसे अच्छा सा शेप दूंगी। कोई भी मोल्ड का मैं यहाँ पर यूज़ नहीं कर रही हूँ। इस तरह से स्मॉल पोर्शंस लेते हुए हमें इसे राउंड राउंड सा करना है, गोल सा बना लेना है। फिर इस तरह से हम ओवल शेप देंगे इसे और हैंड से अपनी फिंगर टिप्स का यूज़ करते हुए हमें इस तरह से शेप देना है। और देन हम इसके बाद यहाँ पर फोक का यूज़ करेंगे, लाइक जिस तरह से हमारी लीव्स होती हैं पत्तियों में, जो इस तरह से हमारे लाइंस बनी होती हैं, उस तरह से हमें यहाँ पर इसमें फोक से ये ड्रॉ करना है। अगेन सेम प्रोसेस करते हुए हमें इस तरह से अपने सारे ठेकुए को रेडी कर लेना है। और आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी शेप दे सकते हैं इसे। ये जो फेस्टिवल होता है ये दिवाली के 6 डेज बाद आता है। इस फेस्टिवल्स में लोग अपने बच्चों के लिए लंबी उम्र के लिए ये फास्ट रखते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस फेस्टिवल है बिहार का। ऑलमोस्ट अब ये पूरे इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है।
इस तरह से मैंने अपने सारे ठेकों को रेडी कर लिया है बनाकर। और अब चलिए इसके बाद हम इसे डीप फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर तेल ऑलरेडी रख दिया हुआ था। तेल भी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है और इसे हमें मॉडरेटली हॉट ऑयल में ही इसे फ्राई करना है। इसे बिल्कुल भी हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना है, लो फ्लेम पर बिल्कुल पेशेंसली रखते हुए हमें इसे अच्छे से कुक करना है, जिससे कि ये अंदर तक अच्छे से कुक हो जाए और बाहर से इसका जो कलर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ जाए। अगर ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे तो बिल्कुल भी टेस्ट इनका अच्छा नहीं आएगा और ये क्रंची नहीं बनेंगे। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप इसे फ्राई करें तो लो फ्लेम पर फ्राई करें, जिससे कि ये अंदर तक अच्छे से कुक हो जाए। कि जो ठेकवे होते हैं ये थोड़े से मोटे होते हैं, इसलिए हमें इन्हें अंदर तक अच्छे से कुक कर लेना है। इस फेस्टिवल में सूर्य भगवान को अर्घ देकर इसकी पूजा करते हैं और पूरे इंडिया में ये फेस्टिवल बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। छठ माता आप सभी की ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। और इस छठ पूजा को श्री राम भगवान जी ने और सीता माता ने भी इसकी सूर्य उपासना की थी, और जो द्रौपदी जी थी उन्होंने पांडवों के लिए भी ये फास्ट रखा था। तो आप सभी इस छठ पूजा पर ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें एंड मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, हिट द लाइक बटन। इफ़ यू लाइक दिस रेसिपी फॉलो एंड सब्सक्राइब। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस ब्यूटीफुल डिलीशियस टेकवे एट होम एंड हैप्पी छठ पूजा टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।